আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। জি ডিয়ার স্টুডেন্টস, লাস্ট টাইম আমরা বিটা ডিসি ওর আলফা ডিসি কে বারে মে ডিসকাস কর রহে থে কি ও টার্মস কিয়া হোতি হ্যায়, কিয়া ইসকো কারেন্ট গেম কহতে হ্যায়, কিয়া চিজে হ্যায়। হামনে ইসকো ডিটেল সে ডিসকাস করনে কি কোশিশ কি থি। ইস লেকচার মে হাম জো ডিসকাস করনে জা রহে হ্যায় ও ট্রানজিস্টর ডিসি মডেল অর বিজেটি সার্কিট অ্যানালিসিস কে বারে মে ডিসকাস করেঙ্গে। পহলে হাম ডিসি মডেল কি বাত করতে হ্যায়। जब जो इसका डीसी मॉडल बनता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको वही बात इसमें दोबारा रिवाइज करता हूँ कि अगर सिंपल ट्रांजिस्टर का एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर, हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की ज्यादातर बात करते हैं। जब भी आप सर्किट में देखेंगे तो ज्यादातर एनपीएन को ही लिया जाता है, पीएनपी को नहीं लिया जाता। अब एनपीएन की अब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि मीटर बेस्ड जंक्शन जो होता है, मीटर बेस्ड जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। क्या होता है जी? फॉरवर्ड बायस। ये दोबारा हम लास्ट में भी बात की थी, ये फॉरवर्ड बायस होता है। तो इसका फॉरवर्ड बायस का मतलब ये हुआ कि ये जैसे ये वाला पोर्शन है, अब आइडियली बात की जा रही है, ये वाला पोर्शन जो है ये मीटर बेस्ड जंक्शन है, ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, करंट को कंडक्ट करेगा, करंट को कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड गेज बायस में। आपको क्रॉस, आपको पता है कि इसके क्रॉस जो बैरियर पोटेंशियल होगा, आपको अगर सिलिकॉन का है तो वो कितना होगा, 0.7 होगा, अगर जर्मीनियम है तो 0.3 होगा। तो ये फॉरवर्ड बायस के केस में होगा। लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, ये रिवर्स बायस होगा, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो वी सी ई होंगे। वो डिपेंड करता है कि वो क्या होंगे, वो हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे, क्योंकि ये रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है, और जबकि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, और जस्ट बैरियर पोटेंशियल के क्रॉस ही जो ड्रॉप होता है। तो ये वाला पोर्शन तो जस्ट फॉरवर्ड बायस की वजह से सिंपल आपका इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 हो गया। और वीसीई जो इसका पोटेंशियल बनता है, ये कैसे निकलेगा, ये डिपेंड करता है आपकी पोटेंशियल पर और डिफरेंट कैलकुलेशन पर। हम इसको आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि बीजेटी इज डिवाइस विद करंट इनपुट एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स। देखिए इसमें ये जो सिंबल जो शो करता है ना, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। आपको पता है कि करंट सोर्स बाद का यू भी बनी होती है, उसके क्रॉस ए भी लिखा होता है बाद। ये भी करंट सोर्स है लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट की बात करते हैं तो फिर करंट सोर्स ये इस शेप में आ जाती है, ये शेप जो डायमंड शेप कहलाती है, इस शेप में आपकी ये शो लिखी गई है। तो ये डिपेंडेंट की बात होगी कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का भी फर्क होगा। तो ये जस्ट आपने इसका मॉडल आपको बनाना आना चाहिए, इसका मॉडल क्या है, ये सिंबल क्या है, ये तमाम चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि ये आइडियल मॉडल जो है, ये वाला पार्ट जो है मैंने अभी अर्ज किया कि फॉरवर्ड बायस में है, ये वाला पार्ट जो है ये कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये रिवर्स में है। ये कॉमनोमीटर की बात की जा रही है, तो इस आगे और भी प्रॉपर्टीज है लेकिन हम जस्ट कॉमनोमीटर को ही एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसको भी इसको ही इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिंपल सी पॉइंट है, आपने उम्मीद है कि इसको मुझे रिव्यू कीजिएगा। आगे हम पॉइंट को लेते हैं, बीजेटी सर्किट एनालिसिस। तो इसको हम सर्किट एनालिसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी कंसंट्रेशन से आप लोगों को देखना पड़ेगा वरना आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। अगर एक दफा ये पॉइंट समझना है तो बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर होगा। बीजेटी सर्किट एनालिसिस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आई बी जो है बेस करंट है, आई ई जो है मीटर करंट है, आई सी जो है ये कलेक्टर करंट है, वी बी ई बेस मीटर वोल्टेज। आप देखें ना ये वाले वोल्टेज, यहाँ से ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन से बेस मीटर वोल्टेज कहलाते हैं, बेस मीटर वोल्टेज हैं। और वी सी बी ये यहां से लेकर यहां तक, ये ग्रीन में इसको लिखता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये वी बी वी सी बी है, और ये आगे वी सी ई ये यहां से लेकर यहां तक। मैं इसका कलर चेंज करता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये आपका क्या हो गया, वी सी ई। इज इट क्लियर? ये आपका वैसे उमूमन यहां से यहां तक भी लिया जाता है। सॉरी ये थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ कि ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये भी आपका वी सी ही है, मतलब कि ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट के क्रॉस जो है ये वी सी ही है। ठीक है, तो ये ग्राउंड ही है। तो इट मीन्स कि अब आपको दो पॉइंट, ये पॉइंट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि वी बी ई क्या होता है। वी बी ए क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, ये अगर इसको थोड़ा सा इधर आप इधर इस तरफ आ जाए, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर ब्लॉक मॉडल है। देखिए ये ट्रांजिस्टर जो है बैक टू पीएन है, एक पीएन ये है और एक पीएन ये है, तो बैक टू बैक हम कह सकते हैं, टू पीएन है तो हम कह सकते हैं कि ये दो डायोड है, एक डायोड ये है एक डायोड ये है, तो ये क्या होंगे, दो डायोड है। अब दो डायोड है, इन पर इनके क्रॉस पोलरिटीज जो है आपकी डिफरेंट है,
इनके क्रास जो पॉलिटीज हैं ये जो है ये डिफरेंट हैं। अब पॉलिटीज डिफरेंट क्या है ये देखे बेटा कि इसमें ये जो बेस मीटर जंक्शन है ये क्या है फॉरवर्ड बायस, ये डायोड क्या होगा, ये डायोड जो होगा ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन में ये फॉरवर्ड बायस की तरह मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, और ये वाला डायोड जो होता है ये रिवर्स बायस होगा, ठीक है ये रिवर्स होगा। तो अब ये और इसके देखें अब इसको थोड़ा सा तवज्जो से देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये पॉइंट जो है ये बेस टू मीटर ये वाला इसको कहेंगे वीबीई, और फॉरवर्ड बायस में वीबी क्या होता है 0.7 होता है, ये आपको पता ही है फॉरवर्ड बायस में क्या होता है 0.7 होता है। अच्छा आगे आ जाए वीबीसी, ये भी बैरियर जंक्शन बैरियर है लेकिन ये रिवर्स में है, रिवर्स में मैक्सिमम ही होता है वीबीसी ही खिलाएगा। अब बैरियर पोटेंशियल कितना होगा वो जितना उसके क्रॉस अपने रिवर्स में वोल्टेज मिला होगा वही आपका बैरियर पोटेंशियल खिलाएगा, और फिर इधर से लेकर इधर तक मतलब इसके क्रॉस ठीक है ये आपका क्या होगा VCE। जस्ट ये मॉडल के लिहाज से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इस लिहाज से अगर आप देखें तो अगर आप देखें कि VCE क्या होगा VBC क्या होगा कि आपका VCE में से VBE निकाल दें, यानी कि VCE है यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल है इसमें से VB निकालेंगे तो आपका VBC निकल आएगा। सिंपल ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि VBC ये वोल्टेज कितने होंगे, अगर आपको VCE पता है VCE में से VBE निकलेगा तो VBC निकल आएगा, ठीक है अगर आप इन तीनों में से दो पता है तो तीसरी आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। मजीद इसके सिंपल के लिहाज देखें ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये वाला पोर्शन जो है ये देखें ये VBE है ये VBC है और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से लेकर जहां तक ये VCE है, और VBC जो होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा और VCE इन दोनों का क्या होगा हम कह सकते हैं इन दोनों का सम होगा, इट मींस के VCE जो होगा VBC प्लस VBE के बराबर होगा। तो ये उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और ये भी आपको टर्म पता है कि I इज इक्वल टू IB प्लस IC है। तो एनी हो अगेन अपने प्रश्न की तरफ जाते हैं, तमाम टर्म्स आपको पता होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करके दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और दूसरे पॉइंट को भी। अब देखिए कि ये हमने सर्किट एनालिसिस करनी है, इसकी सर्किट एनालिसिस हमें अभी हमने पीछे और भी करनी है लेकिन इसको हम देखते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में दो टर्म्स पढ़ी थी एक KVL और एक KCL, अगर आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं इधर पॉइंट्स को तो एक हमने पॉइंट पढ़ा था KVL, याद हो KVL, आप कहेंगे ये क्या चीज, एक पढ़ा था KCL। KVL के किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं, किरचॉफ स्पेलिंग में भी गलत हो देख लीजिएगा, वोल्टेज लॉ ठीक है, और KCL जो है किरचॉफ करंट लॉ कहलाता है, ये ठीक है ये लॉ आपने प्रीवियस पढ़े थे, अगर नहीं आपको मेमोराइज तो आपने दोबारा इसको समझ लेना है, लेकिन अभी मैं इधर हम इस सर्किट पर KVL अप्लाई करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहलाता है, ये साइंटिस्ट था इसने क्या कहा कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए सर्किट, ये इसकी टर्म्स थी सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए सर्किट इज जीरो, ये आपका KVL है ठीक है। इस तरह KCL क्या है, सम ऑफ ऑल करंट्स इन ए सर्किट इज जीरो, सिर्फ उधर फर्क क्या आ गया, आप इसकी जगह वोल्टेज की जगह क्या यूज कर लेंगे करंट, सम ऑफ ऑल करंट इन सर्किट इज जीरो, तो ये KVL है। इसको हम अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करना है इसको हम सीख लेते हैं, तो इतने मुश्किल बात नहीं है, तो आपने पॉलिटिक्स के लिहाज से करना है। हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, ये आपके पास सर्किट है, अब इस पर आपने KVL अप्लाई करेंगे और आप ये एनालिसिस करेंगे कि इसको कैसे करना है। देखिए इसमें दो पोर्शन दो लूप बनते हैं, एक ये है ठीक है और एक जो बनता है अगर हाँ ये क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव चलता तो यूं आप लेंगे कन्वेंशनली, और एक लूप आपका क्या बनेगा ये वाला ठीक है। तो ये दो लूप बनते हैं, अब दोनों में सम ऑफ ऑल वोल्टेज क्या होंगे जीरो होंगे। अब डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, तो वजह से देखिएगा बेटा आपको समझ आ जाएगी। अब अगर फर्ज किया कि आप यहाँ से स्टार्ट लेते हैं
यहाँ से, ठीक है। तो आप देखें इस एक बैटरी का, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पॉजिटिव है तो वी आर बी क्या हो गया, ये पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आगे वी बी ई, ये क्या होगा, नेगेटिव, आगे चलेंगे ना इधर, ये नेगेटिव आ गया, वी सॉरी सॉरी ये भी हो गया, ये पॉजिटिव, ये वाला ये इसके साथ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, सॉरी वी आर बी पॉजिटिव, फिर आगे चलेंगे तो फिर पॉजिटिव, वी बी ई भी पॉजिटिव हो गया, आगे चले फिर ये आगे क्या हो गया, नेगेटिव, तो माइनस वी बी बी, तो ये सम ऑफ ऑल वोल्टेज हो गया। केवीएल के मुताबिक दोबारा समझ लें कि इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होंगे, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज जो होंगे उसको हम कहेंगे वी आर बी, वी आर बी, ठीक है। उसके बाद इसे पॉजिटिव आ गया तो वी प्लस वी बी, फिर उसके बाद इधर मूव करके इधर आएंगे तो माइनस, नेगेटिव आ गया तो माइनस वी बी इज इक्वल जीरो, तो सम ऑफ ऑल वोल्टेज क्या हो गया, ये हमने एक टर्म निकाल ली, ठीक हो गया, हमने इसको एनालिसिस कर लिया। अब इधर आ जाए, अब इसकी बात करते हैं, इसको गौर से देखिएगा, मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ फिर आपको समझाना आसान होगा दोबारा। तो ये इसमें हम ये V है, इधर भी V है और इधर इधर क्या आएगा, V C E I think, ठीक है। आप देखें इसको, आप लिखेंगे इसको, ये वही वाली एक्सप्रेशन इधर लिखी हुई है दोबारा के V B E V V R B V B है, वही चीज दोबारा आ गई है, वो वही एक्सप्रेशन जो मैंने उधर लिखी थी वही इधर आपको बयान किया। आगे इसकी एक्सप्रेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, तो जस्ट देखिए देखिए ये पॉजिटिव है, पहले देखिए ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से शुरू करेंगे तो वी आर सी क्या आ गया आपका, पॉजिटिव, क्या हो गया ये पॉजिटिव। उसके बाद आ गया वी सी ई, वी सी ई भी पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव है ना, स्टार्ट लेना आपने, एंड नहीं लेना। उसके बाद आ गया नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया, ये नेगेटिव वी सी सी। तो ये आपकी ये एक्सप्रेशन निकली, दो एक्सप्रेशन हमने निकाली वोल्टेज केवीएल अप्लाई करके, एक हमने ये इस पोर्शन की है, एक इस पोर्शन वन, इसको मैं वन दे देता हूँ, वन और टू, तो ये वन पोर्शन की है और सेकंड की है, दोनों की हमने क्या बना ली, इसकी एक्सप्रेशन को लिख लिया। एक्सप्रेशन को लिखने के बाद अब आपको पीछे हमें पता है, याद है आपने किया था बीटा क्या है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, सॉरी इसको रिमूव करता हूँ जी। बीटा क्या है, आईसी ओवर आई भी हमने पीछे, अब करंट गेन है, और ये भी अल्फा जो है आईसी ओवर आई, ठीक है। तो अब ये दोनों टर्म हमें इस चीज के लिहाज से पता है, और उसके बाद हमें ये भी एक्सप्रेशन पता है कि आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये तमाम एक्सप्रेशन आपको फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो यही बातें इसमें लिखी हुई है, उम्मीद है कि आपको लिखना आ गई होगी। आगे ये आपको पता वी बी फॉरवर्ड केस में 0.7 होता है, और ये वही जो एक्सप्रेशन मैंने भी आपको ड्रा करके दी, वही चीजें इधर लिखी हुई है। और अब मेन पॉइंट हम आप इधर डिस्कस करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करने हैं। देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसमें मुश्किल नहीं है। देखिए अभी हमने ऊपर ये एक्सप्रेशन निकाली थी, इसको मैं आगे लिखूं कि वी, तो वजह से देखिएगा बेटा, ये थी हमारे पास वी आर बी इज इक्वल टू वी बी बी माइनस वी बी ई। आप कहेंगे ये कैसे आया, ये जस्ट अरेंज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको उठा के इधर ले गया है। अब वी आर बी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या होगी, आई बी आर बी, ठीक है। तो आर बी को इधर नीचे ले जाएंगे तो आई बी इज इक्वल वी बी बी माइनस वी बी और आई बी, ये आपकी एक एक्सप्रेशन निकली कि अगर आपको बेस करंट निकालना है तो आपके पास वी बी, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो आपको पता है कि क्या होगा 0.7, आपको वी बी भी पता होना चाहिए, आर बी पता होना चाहिए, तो आप इजिली आई बी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन वी सी ई की आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ऊपर अगर याद हो अभी हम करके आए हैं, ये देखें अगर आप VCE निकालना चाहते हैं तो VCE क्या होगा, VC is equal to VCC minus VRC, ठीक है। ये देखिए इसे इस तरह VRB, ये तमाम एक्सप्रेशन इधर से आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो अब इसमें ये देखिए VCC VCC VC is equal to VCC minus ICRC, ठीक है। अब क्योंकि VRC किसके बराबर है, ICRC के बराबर, तो ये इसके एक्सप्रेशन के इक्वल आ गई। तो अब इधर से आप जो चाहे निकाल सकते हैं, इस तरह VCB जो होगा
ये VCE minus VBE. तो ये four expression, ये four formulas आपको लाजमी याद होने चाहिए. एक दो ये भी है, इसके एक ही चीज है और ये जैसे तमाम फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए अच्छे अंदाज से. ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को भी देख लें कि डिटरमिन आई बी आई सी आई वी बी वी सी वी बी वी सी बी ये तमाम है, जबकि बीटा की वैल्यू उसने खुद से दे दी है. देखिए इसमें ये सर्किट है, आर बी भी आपको मालूम है, आर सी बी वी सी सी भी दे दिया, वी बी बी दे दिया. ये तमाम चीजें गिवन है, जस्ट आपने फार्मूले यूज करने हैं. सबसे पहले आपने जब आई बी निकालना तो इसका फार्मूला ये है, हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, जस्ट आपने इसकी वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आएगा. आई सी निकालना तो ये फार्मूला, आई निकालना तो ये फार्मूला, वी सी निकालना ये फार्मूला, जस्ट फार्मूला यूज करके आप इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये इतना मुश्किल नहीं है. तो ये रिलेटेड प्रॉब्लम भी उम्मीद है कि आप कर लेंगे. ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका एक पॉइंट क्लियर हुआ. आगे कलेक्टर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे. इसको देखिएगा अच्छे अंदाज से. जज़ाकअल्लाह खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.